Hello everyone and welcome to SSC Era 24/7. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. इस 9 PM के शो में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद है हमारी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है. हाय पूजा जोशी, जगदीश, अरुण, GRV, विनय कुमार, उषा, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग. एक बार सब लोग फटाफट से आ जाएं. अच्छा, तो जैसा कि आप इस थंबनेल पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही है SSC CPU की. अब SSC CPU एक्चुअली है क्या? ये आपको मौका देता है ये एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर बनने का, किसमें? दिल्ली पुलिस में, या जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे आपके जो यूनिट्स आते हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशक्त सीमा बल, ये सारे जो आपके SSB वगैरह आते हैं, इन सब में आपको SI या ग्राउंड ड्यूटी पे आपको SI बनने का मौका मिलता है. तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन इस लेवल पर है या आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना, तो इन क्लासेस में आप डेली हिस्सा बन सकते हैं. ये क्लासेज आपकी शाम को 7 बजे से लेकर रात 10:15 तक की क्लासेस, 10:30 बजे तक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और उसके बाद GK GS. तो ये सभी सेशंस आपके डेली हो रहे हैं कल से और ऐसे ही यूं ही लगातार चलते रहेंगे. अब दूसरी बात आती मुद्दे की कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा. तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड थे या जो चाह रहे थे तैयारी करना SSC CPO की, उनको पता होगा कि 20 जुलाई को हमारा नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन वो नोटिफिकेशन आपका 20 जुलाई को ना आकर अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है आपकी. किस पर इन्फॉर्मेशन आई है? आपके SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, वहां पे ये नोटिफिकेशन आया है. ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ. क्या है इस नोटिफिकेशन में? यहाँ पे दिया गया है, ये अभी अभी आया नोटिफिकेशन, करीब आधे घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आया है, और यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस द नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2023 विल बी पब्लिश्ड ऑन 22 जुलाई 2023 ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. तो अब जो आपका नोटिफिकेशन 20 जुलाई यानी कि आज आना तय था, वो नोटिफिकेशन आपका अब कब आएगा? वो नोटिफिकेशन हमारा अब आने वाला है कब? 22 जुलाई को, यानी कि परसों आपको वो नोटिफिकेशन दिखाई देगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छी बात ये है कि नोटिफिकेशन तो आना ही है, तो जो तैयारी आप लोगों की चल रही है वो तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी. सुमन गोरसी सेज कि मैम आप इस टाइम तो DFCCIL की क्लास होती थी. हाँ बिल्कुल, तो जो DFCCIL वाले स्टूडेंट थे, जो कनेक्टेड थे, जो डेली क्लास कर रहे थे मेरे साथ जुड़कर, उनकी क्लास यूं ही चलेगी. क्यों? क्योंकि DFCCIL में आपके दो पोस्ट थे, जहां तक आप लोगों को याद होगा DFCCIL में दो पोस्ट की हमारी तैयारी चल रही थी. एक थी आपकी ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट OP&BD की, जो कि ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी थी, और आपका CPO भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी. अगर आपने OP&BD यानी कि ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट का फॉर्म फिल किया था DFCCIL के अंदर, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है, इसमें लगातार यूं ही बनी रही. अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि मैट्रिकुलेशन वाला फॉर्म फिल किया होगा, जो 10th वाली वैकेंसी थी आपके DFCCIL की. तो जो 10th वाली वैकेंसी वाले स्टूडेंट हैं, वो कौन से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे? वो लोग ज्वाइन कर लेंगे हमारे 2 PM वाले सेशन को. तो इस तरीके से आपको करना है. अगर आपकी वैकेंसी चल रही, कौन सी आपकी वैकेंसी चल रही, आप तैयारी कर रहे हो DFCCIL के कौन से वाले सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले एग्जाम को आपने फिल किया था, जो कि 10th पास वैकेंसी थी, वो 2 बजे वाले सेशन में जुड़ जाएंगे. बाकी सारे बच्चे ऐसे ही हुई आते रहेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सेशन की तरफ. अगर चैनल पर आज कोई भी पहली बार आया है या मेरी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये सारी जो वीडियोस हैं, आप तक यूं ही लगातार पहुंचती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के. और आगे बढ़ेंगे तो Adda 247 एप्लीकेशन है. Adda 247 की एप्लीकेशन आप लोगों के लिए डाउनलोड करना है जरूरी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करोगे? तो Adda 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपके कमेंट सेक्शन में, या आपके कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है,
इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, ये लिंक मेरे नाम से है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अड्डा की एप्लीकेशन को डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सेशन में। अब आज क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है, अगर मैं बात करूँ हमारे इस एग्जाम के अंदर, तो रीजनिंग का सेक्शन आपका कितने नंबर का है, या बाकी सारे सेक्शन जो है वो आपके कितने, 50 क्वेश्चंस आने हैं और 50 मार्क्स के आने हैं। तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज है आपका रीजनिंग का और बाकी सब्जेक्ट का भी। तो यहां अगर हम रीजनिंग में बढ़िया तैयारी कर लेते, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने आपके देखे प्रीवियस ईयर के, वो मुझे बहुत ही नॉर्मल लगे, आप बड़े आराम से इन 50 में से 42-43 प्लस क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह है, इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, देखिए कि इसका क्या आंसर आपका बन सकता है। प्लीज रीड इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग का है, पहला क्वेश्चन। और एक और चीज आप समझ ले, ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम तो है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं, 50 क्वेश्चन है आपके पास, समय कितना है, 200 क्वेश्चन हमें सीपीओ के अंदर 200 क्वेश्चन करने हैं, कितनी देर में, 2 घंटे में करने हैं, 2 आवर्स में करने हैं, मतलब अपने पास टाइम कितना है, अपने पास टाइम है 120 मिनट का, 120 मिनट में अगर मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं दिखेगा, लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये यहां पे दिया गया क्या, एक कोड लैंग्वेज में गोवा का कोड दिया है 751, डॉग का कोड दिया है 4157। तो अगर देखा जाए तो गोवा में जी की प्लेस वैल्यू कितनी 7 है, ओ की कितनी 15 है, ए की कितनी 1 है। तो ये सिंपल बहुत ही बेसिक वाला अप्रोच वाला क्वेश्चन है कोडिंग का, जहां पे हमने केवल उनको उनकी प्लेस वैल्यू से क्या कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है। उस बेसिस पे आपको कोड मैन का निकालना है, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती, ए की 1 होती, एन की 14 होती, तो 13 1 14 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक करते चलो, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं प्लीज सेशन को शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या है, ऑड वन आउट है, और वो जो ऑड वन आउट ऑप्शन है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या है वो ऑड वन आउट ऑप्शन, LNSB FHMP BDIL JLPT, क्या होगा मेरा आंसर? बताइए, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या ये क्लास एमटीएस के लिए भी है, देखो अगर एमटीएस की तैयारी करनी तो बिल्कुल आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एमटीएस के लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 2 बजे वाला जो मेरा सेशन होता है रीजनिंग का, उस सेशन में आप लोग आए। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और डी। यहाँ पे जब लास्ट के 2 लेटर देख, क्योंकि कौन से वाला टाइप है, ये आपका ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट में अगर मेरे पास इस तरह से ऑप्शंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि क्या कर ले, लास्ट के 2 लेटर या पहले के 2 लेटर या फिर बीच के 2 लेटर, कोई भी 2 लेटर उठा के आप चेक कर लीजिए। एस और वी की बात करोगे, एस से वी मतलब ये 19 से 22 हो रहा है, ये कितना आगे गया, ये आपका +3 यहाँ पे है। एम से पी, ये भी +3 है। पी से टी, ये हो गया +4। और आई से एल का मतलब है +3। तो बाकी सारे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि +3 +3 +3, बट ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका +4 लास्ट के 2 लेटर्स में, और इसी बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। तो इन क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, केक का कोड दिया है 6, जूस का कोड दिया है 7, जग का कोड क्या होगा? और ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये 2022 का है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल के लिए क्लास ले सकते हैं क्या, जितने भी स्टूडेंट सीएचएसएल वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट एमटीएस वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस वाले हैं, ठीक है, जितने भी आप ये एग्जाम की तैयारी करो, या फिर आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की तैयारी करो, DDA के JSA एग्जाम की तैयारी करो, तो उन सब के लिए बेहतर चॉइस है कि आप 2 बजे वाला सेशन अटेंड करो, वो बिल्कुल इसी लेवल पे आपको वहां पे चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक। इंग्लिश 11 मिनट शो नहीं होगा क्या मैम? दीपक, ये ना आप सर से पूछना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए
आप इस क्लास में भी बने रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, आपके टॉपिक वही है, टॉपिक आपके बिल्कुल भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीजल में अलग पूछा जा रहा है, सीएचएसएल में अलग पूछा जा रहा है, और यहाँ पे सीपीओ में कुछ अलग बातें पूछ, वही सब पूछा जा रहा है। इट इज जस्ट कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के बेसिस पे, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक निश्चित कूट एक कोडिंग लैंग्वेज में आपसे बोला गया है कि केक का कोड है कितना, 6। यहाँ पे जूस का कोड आपको दिया है कितना, जूस का कोड दिया आपको 7। हमसे कोड पूछा जा रहा है किसका, जग का। तो जग का अगर कोड पूछेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4। उसमें अगर मैं प्लस 2 करूंगी तो 6 आएगा। यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 5। इसमें आप प्लस 2 करोगे तो 7 आएगा। यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 3। इसमें आप प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 5। तो कितना सिंपल ये क्वेश्चन देखो यहां पे पूछे जा रहे हैं। अब जब ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है ना जहां पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो किसी एक क्वेश्चन में अटकना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन में अटकते हो ये सोच के कि अरे हमसे क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, हम तो कर ही लेंगे, ये वाली चीज होती है ना रीजनिंग में, सबके साथ होती है ये चीज। तो अगर ये वाली फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। उसमें प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो बचे होंगे वो बहुत आसान, तो अटकना नहीं होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, किसका, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, ये आपको जो दिया गया है, देखो जब ये यहां पे अनफोल्ड होगा तो आपको पता है मिरर इमेज बनती है। जब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट अनफोल्डिंग होती है तो बनती है हमारी मिरर इमेज, और जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम अनफोल्ड करते हैं तो हमारे पास आती है क्या, वॉटर इमेज। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करने की जरूरत है। इंग्लिश क्लास की टाइमिंग जो है वो आपकी शायद 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ठीक है, 7 PM आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है। नाउ जब इस क्वेश्चन को आप देखते हो, इसमें ये जो छोटे वाला एरो है ये आपको छोटा वाला एरो पहले दिखाई देगा, बड़ा वाला एरो बाद में दिखाई देगा। इस हिसाब से यहां पे करेक्ट है, यहां पर भी करेक्ट है, यहां पर भी आपको चीजें करेक्ट दिखाई दे रही है, और यहां पर भी, यहां गड़बड़ है, यहां पर बड़ा एरो पहले आ गया छोटा बाद में, इसको हटा सकते हो। उसके बाद ऊपर जब ये जाएंगे तो ये एरो ऐसे ही रहेंगे, ये छोटा एरो इधर रहेगा, बड़ा एरो आपके पास यहां पर आएगा। अब ऐसा यहां देखो ये क्या है, ये नीचे की तरफ होनी चाहिए थे एरो, यहां से हटा दीजिए। अगर इस ऑप्शन नंबर सी और डी को देखा जाए तो सी और डी में आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, यहां पे आपके पास बड़ा वाला एरो इस तरफ है और यहां बड़ा वाला एरो इस तरफ है। जो बड़ा वाला एरो है वो आपका इधर ही रहेगा, यही रहेगा, यहां पे छोटा वाला होगा। उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये दी गई है आपको नंबर एनालॉजी, और इस नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी दिखाकर इस तरह से प्रेजेंट किया गया, 1/97 is to 1/63। और ये क्या है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, यहां पे दूसरा एग्जाम्पल आपको निकालना है और तीसरा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है इनको थोड़ा सा ठीक से फोकस करोगे तो आपके सामने लॉजिक कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कीप लाइकिंग। देखो ये जो पहला नंबर 97 है और ये जो दूसरा नंबर 63 है, 97 और 63 का आप निकालेंगे अगर डिफरेंस तो 7-3 आपके पास आएगा 4, 9-6 आपके पास आएगा 34, करेक्ट है। ये जो डिनोमिनेटर में दो नंबर दिए हुए हैं इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 34 बनेगा। यहां की बात करो, 9-5 विल बी 4 एंड 8-5 विल बी 3, तो ये 34 और ये 34, यहां पर 34 34। अब इस 144 से, क्योंकि देखो जो न्यूमरेटर है वो तो सब जगह पर सेम है ना, 1111, तो डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना था ना। 144 से हम क्या माइनस करें कि 34 आ जाए, तो 4 में से 4 यानी कि 0 मेरे पास लास्ट डिजिट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रिस्पांस हो जाएगा। 80 माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 1/80, 144 से 80 माइनस करोगे तो 34 निकल कर आएगा, ताकि इन सब में बैलेंस बन सके, सेम एनालॉजी हम यहां पे परफॉर्म कर सके, ठीक है, डन है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी है ये। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 2
2121442592। आप ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दो के बाद 12, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 144 का सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि 12 × 12 करेंगे तब जाके 144 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉजिक पता करना है। 2 से 12 को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 बार हुआ है, क्या यहाँ पे 6 का डबल 12 हुआ है, तो क्या 12 का डबल यहाँ पे आप कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, क्या ऐसा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, बताइए। क्या आंसर है? आप लोग बोल रहे हैं मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक सेकेंड, यहां पे ये 144 है, दिस इज 114, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 114 कर लीजिए इसको, ओके, इसको कर लो 114, अभी ठीक है, ठीक है, 114 होगा ये नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे वो ये कर रहे थे, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 12 बनेगा, 12 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे 144 बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें, एक कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 यानी कि 6 का डिफरेंस है, तो अगर आगे भी मैं 6 का डिफरेंस लेके जाऊंगी तो यहाँ पे 18 हो सकता है, या फिर दूसरा लॉजिक जो यहाँ पे चलेगा वो ये कि यहाँ पे 6 था, 6 का डबल 12 हो गया, तो क्या आगे कहीं हमने × 24 यानी कि 12 का डबल 24 तो नहीं किया, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 4 × 16, अगर ये × 24 हो रहा होता तो 4 × 4 यहां पे 16, यानी कि 6 आपकी यूनिट डिजिट निकल कर आती, यहां पे यूनिट डिजिट कितनी है 2 है, तो यानी कि 16 नहीं बन रहा है, मतलब ये वाली कैलकुलेशन नहीं चल रही। कैलकुलेशन कौन सी चल रही, 6 में 6 जोड़ा 12 का मल्टीप्लाई किया, 12 में 6 जोड़ा 18 का, 8 × 32 यहां पे ये कंफर्म भी हो रहा है, तो आगे 18 में आप 6 ऐड करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई अगला जो होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका 24 का। तो 2592 में मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, 24 का करना है, 4 × 2 = 8 यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 8 आएगी, जो कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इस ऑप्शन को आप हटा सकते हो। तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास ऑप्शन क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 2592 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 24 के साथ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बन जाएगा क्या, करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, यहां तक डन है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये दिया गया है आपको पिक्चर रीजनिंग, यहां पे एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में जो अगला मेरा लॉजिक निकल कर आएगा, अगला जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, तो सबसे पहले अगर इसमें ये देखा जाए, ये जो डॉट्स बने हुए हैं आपके हर पिक्चर में, इन डॉट्स पे अगर फोकस किया जाएगा तो पहले ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, और आप देख रहे हैं कि इस कोने से इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया, अब इस कोने में आएगा, और लास्ट में ये आना चाहिए आपके इस कोने में, क्योंकि लास्ट वाला जो ब्लैंक आपका सर्कल आपके पास है वो ब्लैंक है, ये वाला सर्कल क्या होगा, डार्क होगा। ऑल्सो ये जो एरो है आप देख रहे हो, पहले इस तरफ है, फिर इस तरफ है, मतलब क्या है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब ये वापस जब 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो ये यहां पे इस तरह से आएगा, मतलब मेरा आंसर करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए। वेल डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैन फादर्स डॉक्टर वेन डायग्राम का, ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो मैन फादर और डॉक्टर में अगर रिलेशनशिप बतानी हो तो क्या रिलेशनशिप होगी यहां पे? अच्छा, इसमें एक बात तो कॉमन है, इसमें एक बात तो कंफर्म है कि मैन जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, वो मैन होंगे, है ना। इसमें ये हमें पता है कि जितने भी पिता होंगे वो पुरुष क्लास में आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, वो मेल होंगे, यानी कि पुरुष होंगे,
करेक्ट है, ये कंफर्म है। अब अगर इतना कंफर्म है तो आप आंसर या तो ये कर पाओगे, आंसर ये किसी कीमत पे नहीं होगा, या फिर आप आंसर ये भी नहीं कर सकते, या फिर आंसर आपके पास ये होगा। तो दो ऑप्शन हटा दिए, अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। अब जो दूसरी बात आपसे बोली गई, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स, तो एक बात बताओ, क्या कोई पिता डॉक्टर हो सकता है? क्या आपने कुछ ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो किसी के फादर्स भी हैं? हाँ बिल्कुल, राइट। क्या आपने मेल डॉक्टर्स देखे? हाँ। क्या हमने केवल मेल डॉक्टर्स देखे? नहीं, हमने फीमेल डॉक्टर्स भी देखी है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे डॉक्टर यहां बन जाएंगे। हम यहां पे फिर क्या कह रहे होंगे कि सारे के सारे डॉक्टर मेल है, तो ये कंडीशन नहीं लगा सकते आप, करेक्ट है। या आप ये कह दो कि यहां पे अगर मैंने डॉक्टर बना दिया ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे मेल और सारे के सारे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है। ऐसा थोड़ा ना है, बहुत सारे और भी प्रोफेशंस हैं। तो ये आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है ये फादर है, ये मेल है और ये डॉक्टर है। हम कह रहे हैं कि कुछ फादर भी डॉक्टर हैं और कुछ मेल भी डॉक्टर हैं, और बाकी जो डॉक्टर वाली स्पेस बची है उसमें कुछ फीमेल या जो भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या निकल कर आएगी, अगली पिक्चर हमारी इससे क्या निकल कर आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा आंसर इसमें? देखो, किसी एक एक एलिमेंट को फॉलो कर लो, पूरा का पूरा कहानी देखने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक लेटर को या किसी एक एलिमेंट को फॉलो कर लो, क्योंकि सारे एलिमेंट आपको कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहे हैं, और जब सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली दिखाई देते हैं तो फिर किसी एक को फॉलो किया जा सकता है। एस की पोजिशन की बात करें, पहले एस यहां पर है, फिर एस यहां पर आ गया, फिर एस यहां पर आ गया, फिर एस आपका यहां आ चुका है, फिर एस आपका यहां आ चुका है। मतलब एस का नॉर्मल मूवमेंट आप देख पा रहे हो। अब जो एस होगा वो कहां दिखेगा? यहां दिखेगा, जहां पर हमारे पास ब्लैक डॉट है। एस मेरे पास इस तरह से इस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर सीधे सीधे बन जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए अगले सवाल पे। तो ये आपको ना कहीं एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि सीपीओ में जो रीजनिंग आ रही है, केवल इस क्लास में आप आते रहिए, रीजनिंग आपकी बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिरर इमेज का है। ये मिरर हमने कहां लगाया? मिरर आपने यहां लगाया हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो क्या होगी? और एक और चीज देखने वाली है कि पिक्चर रीजनिंग भर, क्योंकि 50 क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जामिनर और आपके जितने टॉपिक हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं पिक्चर रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और पिक्चर रीजनिंग जिस एग्जाम में ज्यादा होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर रीजनिंग हमारे लिए ईजी होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कुछ ये रहेगी, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये ब्लैक यही रहेगा, और यहाँ पे ये जो है ये ऐसे ही रहेगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए। क्योंकि जब मिरर इमेज बनेगी तो जो चीजें आपकी लेफ्ट में होती वो राइट में रिफ्लेक्ट करती, वो मिरर इमेज गलत है। यहाँ पे ब्लैक नीचे कर दिया, यहाँ पे भी ब्लैक नीचे कर दिया, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ऊपर नीचे में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, केवल लेफ्ट राइट में चेंज होता है मिरर इमेज के केस में। अगले सवाल पे आएंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये एक और मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि इसमें हमने क्या किया? पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या बन सकता है आंसर? पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। अगेन ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, और जब ये लेफ्ट टू राइट अनफोल्डिंग होती है तो मिरर इमेज बनती है, और जब टॉप से बॉटम अनफोल्डिंग होती है तो आपकी वाटर इमेज बनती है, करेक्ट है। तो यहां देखो, जब इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे ऑप्शन नंबर ए सीम्स टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से, राइट। तो हमारा आंसर भी बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और जो ऑप्शन आपका ये जो सी वाला, ये इसलिए गलत क्योंकि जब ये इमेज ऊपर जाएगी ना, जब ये ऊपर ऊपर जाएगी, वाटर इमेज बनेगी, तो ये वाला पोर्शन आपका पहले दिखेगा जैसे कि ऑप्शन नंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिना किसी डाउट के। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि इन चार ऑप्शन में से हमें करना है ऑड वन आउट, एक्स टी जेड आई एफ के पी एल आर जी सी आई, इनमें से एक ऑप्शन को आपको करना है, और वो ऑप्शन क्या होगा बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ऑप्शन का आंसर ए निकल कर आ रहा है आज, ऐसा तो नहीं है ना?
तो आप लोग तुक्का ना मार, मत मत मार देना कि मैम इसका भी आंसर ए है. XTZIFKPLRGCI क्या करोगे? अगेन लास्ट के दो लेटर चेक कर लीजिए, लास्ट के दो लेटर चेक करो या स्टार्टिंग के दो चेक कर लो, कुछ भी कर सकते हैं. फिलहाल लास्ट के दो देखेंगे तो हमारे पास पहले ऑप्शन में टी और जेड. टी की प्लेस वैल्यू 20 है, जेड की 26 है, मतलब प्लस 6. एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, इसकी 11 है, 6 में 6 जोड़ते तो 12 बन जाता है, यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है. तो या तो लास्ट के दो लेटर में प्लस 5 है या प्लस 6 है. एक ऑप्शन और चेक कर लो, ये एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, आर की 18. 12 और 18 का मतलब प्लस 6. इसका मतलब क्या कि गड़बड़ कौन सा ऑप्शन कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लास्ट के दो लेटर में यहाँ पे हमें देखने को मिला कितना? प्लस 5. 6 और 11 मतलब प्लस 5. तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और सी जो है वहां पे करेक्ट है, और चौथे को देखने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अगला सवाल आपसे पूछा गया है किसका? फिर से कोडिंग का. यहां पे दिया गया है फ्राइडे का कोड है KTHACF. एक बार इसको लिख देते हैं. मैं एक पहला क्वेश्चन में देख रही हूं कोडिंग का, जहां पे थोड़ा बहुत शायद कॉन्सेप्ट को सही से यूटिलाइज किया गया है. फ्राइडे. अच्छा, कभी भी कोई क्वेश्चन कोडिंग का अगर आपका अटकता है तो एक सिंपल सा तरीका कर लिया करो. कभी भी ऐसा हो कि कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन आपको एक बार देख के समझ में नहीं आया, तो सीधा एक काम आप लोगों को कर लेना, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लोगे. बहुत ही 1% ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, या बहुत ही कोई ट्रिकी क्वेश्चन किसी ने जानबूझ के बनाया, तभी आप नहीं कर पाओगे डिकोड. वरना जब जब आप क्वेश्चन पे नंबर प्लेस लिख दोगे, वो सीधे सीधे आपको दिख जाती चीजें कि क्या हो रही है. जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपके सामने प्लेस वैल्यूज लिखूं, देखना जरा, यहां F की प्लेस वैल्यू कितनी? 6 है. R की कितनी? 18 है. I की कितनी? 9 है. D की कितनी? 4 होती है. A की 1 होती है, और Y की 25 होती है. यहां पे K की प्लेस वैल्यू 11 है, T की 20 है, H की 8 है, A की 1, C की 3 और F की 6. अब जैसे ही आप इन नंबर्स को देखते हो, एक चीज हमें दिख रही है क्या, कि 9 से मैं 11 को बोल सकती हूँ प्लस 2 हुआ है, R से मैं T को बोल सकती हूँ प्लस 2 हुआ है, 6 से मैं 8 को बोल सकती हूँ प्लस 2 है. तो सब में प्लस 2 हो रहा है, मतलब पहले तीन लेटर को आपने डिवाइड कर दिया, लास्ट के तीन लेटर्स को आपने डिवाइड कर दिया, प्लस टू प्लस टू प्लस टू का ये चीज चल रही है. यहाँ पे 25 और यहाँ पे पहला, 25 के बाद Z आया होगा यानी कि 26वां लेटर, और Z से अगर हम आगे कंटिन्यू कर दें तो क्या निकल कर आएगा? फिर A आएगा, फिर B आएगा. तो Y में प्लस 2 करोगे तो A पे आ जाओगे, A में प्लस 2 करोगे C पे आ जाओगे, D में प्लस 2 करोगे तो F पे आ जाओगे. तो तीन तीन का डिवीजन करके हम क्या कर रहे हैं? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हैं, करेक्ट है, यही कर रहे हैं. अब आंसर मुझे बताना है जिंजर का कोड क्या होगा. अब जिंजर का अगर कोड बताना है तो देखो इसमें क्या करें, सारा का सारा आंसर निकालने की जरूरत लग रही है आपको? नहीं. क्यों? क्योंकि सबके लास्ट के तीन लेटर आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे, तो लास्ट के तीन लेटर पे फोकस कर लो. जी में जब आप करेंगे प्लस 2 तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, मतलब मेरा लास्ट लेटर आई आएगा. उसके बाद ई में प्लस 2 करोगे तो जी आ जाएगा, आर में प्लस 2 करोगे तो टी आ जाएगा. हमारे लास्ट के थ्री लेटर्स होने चाहिए टी जी आई, और टी जी आई यानी कि ऑप्शन नंबर 3. इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रिस्पांस यहां पे बनते हुए. और इस चीज का ध्यान रखो कि काम हमें इतना ही करना है जितने में हमारा आंसर निकल जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है. अगर आप एक सेकंड भी कहीं किसी क्वेश्चन से बचा रहे हो तो आपको बचाने की जरूरत है. अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये करना है आपको, इस सीक्वेंस को फिल, ठीक है, इस सीक्वेंस को हमें फिल करना है. अच्छा, यहां पे एक हिंट मैं आप लोगों को दे दूं. हिंट ये है कि सारे ऑप्शन में, आपके सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर पहला लेटर, देखो सारे ऑप्शन का पहला लेटर आपको क्या दिख रहा है? ई दिखाई दे रहा है, करेक्ट है. और सारे ही ऑप्शन में आपको दूसरा लेटर क्या दिख रहा है? एन दिख रहा है. तो ये तो कंफर्म है ना कि हमारा पहला और दूसरा लेटर सेम रहेगा, और पहला दूसरा लेटर सेम रहेगा तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, ई और एन तो आएगा ही आएगा. अब इस ई एन ने हमारे लिए क्वेश्चन को डिकोड करना बड़ा आसान कर दिया. क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये डब्ल्यू ई डबल एल, एक चीज दिख रही मुझे यहां पर, वही मुझे डब्ल्यू ई एल तो दिखा, डबल एल आप कर दीजिए, फिर से आपको ई और एल तो दिखा, इसको डबल एल कर दीजिए, इसको डब्ल्यू कर दीजिए, तो एक सीक्वेंस बनकर निकल कर आया, ठीक है. तो डब्ल्यू ई डबल एल एक सीक्वेंस बन रहा है. उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि डब्ल्यू ई डबल एल के बाद एन जी आ गया, फिर से डब्ल्यू ई डबल एल के बाद यहां पे एन जी कर दीजिए, और इस एन जी के बाद मुझे के दिखाई दे रहा है, यानी कि इस के को आप यहां पे कॉपी कर सकते हो. फिर से क्या हो गया, डब्ल्यू ई डबल एल और यहां पे कर दीजिए आप एन जी के. तो हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है? हमारा सीक्वेंस चल रहा है डब्ल्यू ई डबल एल एन जी के, और फिर से ये ब्रेक डब्ल्यू ई डबल एल एन जी के. अब इसको बताओ ये कौन से के साथ मैच हो रहा है? ई एन के किसके साथ मैच हो जाएगा? ई एन के,
ई एंड के हमारे पास इस ऑप्शन में, इसमें इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो. उसके बाद आपके पास एल जी डब्ल्यू एल आ रहा है, एल जी डब्ल्यू एल, एल जी डब्ल्यू एल ऑप्शन नंबर एल एन. लास्ट के दो आपके क्या है, एल एन है. ये ना इन्होंने ऑप्शन गलत तरीके से लिखे हुए, ई एन, ई एन के एल, जी डब्ल्यू, यहां पे एल कर लीजिए, यहां पे एल कर लो. कुछ तो भी ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर वन मैच कर रहा है ना. मैं एक बार लिख कर देख लेती हूँ. ये ई एन के आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है, फिर एल एन आ रहा है. ऑप्शन नंबर वन में एक गड़बड़ हो रही थी, कौन सी वाली, ये वाली. ये यहाँ पे के नहीं होगा, ये एल हो जाएगा. ठीक है, ये एल हो जाएगा, इसको इसको करेक्ट कर लेना, ये मिस्टेक हो गई. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है सिलॉक्स का. सिलॉजिज्म के भी आपके इस सीपीओ के पेपर में करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन है, और ये जो 2 से 3 क्वेश्चन है ये बड़े आसान है, तो सिलॉजिज्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना. जिनको नहीं आता है, मेरी एक वीडियो है प्रेजेंट आपके इसी चैनल पर, आप मेरे नाम से डालोगे तो वो आपको सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. तो चाहे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहते हैं. कई मैंने काफी स्टूडेंट के साथ देखी है प्रॉब्लम कि सिलॉजिज्म हमें उतने अच्छे से नहीं आता है, तो वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हो. फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए. यहां पे आपको दिया गया ऑल गाउन्स आर शर्ट, सारे के सारे गाउन जो हैं, सारे के सारे गाउन्स जो हैं वो क्या हैं, वो शर्ट हैं. तो सिंपल बना लीजिए इसको. उसके बाद क्या कह रहा है, सम शर्ट्स आर कोट, और कुछ शर्ट्स जो हैं वो क्या हैं, वो कोट हैं. तो कुछ शर्ट्स जो हैं वो कोट हैं, इसको ऐसे बना लीजिए. ऑल कोट्स आर क्लोथ्स, और सारे के सारे कोट्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्लोथ्स हैं. तो सारे के सारे कोट्स क्लोथ्स, ये ऐसे बन जाएगा. अब यहां देखो पहला कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या पूछ रहे हैं कि सम गाउन्स आर क्लोथ, कुछ गाउन जो है वो क्लोथ है. देखो गाउन वाला सर्कल अपने पास ये है, क्लोथ वाला सर्कल हमारे पास ये. अगर इसकी जगह पे बोलता कि कुछ गाउन के कपड़े होने की संभावना है, अगर बोलता कुछ गाउन के कपड़े होने की संभावना है, तो आप बोलते हाँ संभावना पूरी पूरी है. क्यों? क्योंकि यहां जाके ऐसे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है. लेकिन इसको निश्चित तौर पर यानी कि डेफिनेट तौर पर इसको सही ठहराना वो गलत हो जाएगा, ये आउट. सेकेंड में लिखा है कुछ कपड़े शर्ट है, कुछ कपड़े शर्ट है, यहाँ पे कुछ कपड़े मतलब कुछ क्लोथ जो है वो शर्ट है. तो कुछ क्लोथ शर्ट तो 100% होंगे, बिल्कुल होंगे. क्यों? क्योंकि कुछ शर्ट कोट है और सारा का सारा कोट का हिस्सा क्लोथ के अंदर, तो ये कॉमन हिस्सा है. मतलब दूसरा करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला गलत हो जाएगा. ओनली सेकेंड विल फॉलो, पहला आपका गलत. ठीक है, पहला हमारा गलत, ओनली सेकंड विल फॉलो. नेक्स्ट पे आ जाए, अगले सवाल पे आएंगे. अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये दिया गया आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन. हाँ, ओनली सेकंड फॉलोज, बिल्कुल करेक्ट. अब अपने पास क्या आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन. प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब क्रॉस है, क्रॉस का मतलब प्लस है, और डिवीजन का मतलब भी प्लस है. फिर से कोई मिस्टेक है इसमें, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि दो साइन आपका प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ, तब तक आप लोग कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब तक आप. एक मिनट, लेट मी चेक कि यहाँ पे दिक्कत क्या है. यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें. डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे तो हम सारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं इंटर तो कॉमन है. इंटर यहाँ पर भी, इंटर यहाँ पर भी, इंटर यहाँ पर भी, इंटर यहाँ पर भी है. इंटर के बाद कहानी शुरू होती है. ई पांचवा लेटर है, डी आपका चौथा लेटर है, डी चौथा लेटर, डी चौथा लेटर, एस 19वां लेटर. तो इंटर तक सब बराबर है, यानी कि इन तीन में से कोई पहले आएगा. और इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा आपके पास, यहाँ पे डी के बाद आई, डी के बाद आई एस, डी के बाद आई सी और डी के बाद ई. तो ऑब्वियसली बात है पहले ई आएगा, यानी कि चौथे से तो शुरुआत होगी. और चौथे से शुरुआत होने वाला केवल एक ऑप्शन है, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो. केवल एक ऑप्शन ये तय कर लेना कि हमारी शुरुआत किससे होगी, उतने भर से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब वो जो क्वेश्चन हम अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन का कर रहे थे उसमें
जो भी दिक्कत थी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको प्लस का मतलब है माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब है माइनस। ये ऊपर वाला इक्वेशन मत देखो, उसमें थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रही है। माइनस का मतलब क्रॉस है, और माइनस का मतलब है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब है आपका डिवीजन, और क्रॉस की जगह पे क्या करना है, डिवाइड करना है आपको, और डिवाइड का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस। तो ये साइन इस तरीके से चेंज करने, और चेंज करके हमें पता करना है कि क्या आंसर होगा इसका। अब बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी, ट्वेल्व, अठारह, पांच, कैसे बनेगा इसका आंसर, देखो जरा। यहां पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व करते, डिवाइड, तो 20 और 12 के बीच में लगा हुआ डिवाइड, तो 20 डिवाइड बाय 12 ये हो जाएगा। यहां 24 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 24 इनटू 20 डिवाइड बाय 12, 12 का डबल हो जाएगा ये, 22 का मल्टीप्लाई 20 के साथ होगा, यहां से 40 निकल कर आ जाएगा। यहां पे माइनस 18 है, यहां पे प्लस 5 है, यानी कि 45 में से आपको कितना माइनस करना है, 18 माइनस करना है, और 45 में से आप 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 35 माइनस 35 मतलब 15 में से 8 गया, आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 27 मेरा करेक्ट रिस्पांस हो जाएगा क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन और हम ऐसा करेंगे। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए थे, लेकिन उतने हो नहीं पाएंगे क्लास में। सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे देखे हैं आप लोगों के एग्जाम में, ये वाले एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन याला करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है इसको, ये ढूंढ सको तो ढूंढ के दिखाओ। ये क्वेश्चन चैलेंज है, ये क्वेश्चन चैलेंज है, कितने लोग सही इसको करेंगे, कि ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर आपको ढूंढ के बतानी है कौन से वाले ऑप्शन में करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आपको टाइम लगा देंगे, उन क्वेश्चन से आपको बचना है, ठीक है। चलिए मैम, रीजनिंग में फुल 25/25 बनाया है सीजीएल में, ये आपकी अपनी मेहनत होती है। देखो हम लोग आपको केवल गाइड करते हैं, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ाई आप लोग करते हैं, रात रात भर जगते हैं आप, तो वो सारा का सारा क्रेडिट, अगर आपका कोई एग्जाम अच्छा होता है, सक्सेसफुल आप होते हैं, वो पूरा का पूरा क्रेडिट आप लोगों का होता है, क्योंकि मेहनत करनी वो आप ही को है ना, इसीलिए बोला जाता है कि आप ही अपनी सफलता का कारण बनेंगे, कोई और नहीं। दूसरे आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको गाइड करने के लिए, सही चीजें कराने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए, लेकिन एट दी एंड जो मेहनत करते हैं वो आप ही लोग करते हैं ना, तो जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल भी मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस पिक्चर को ढूंढ के दिखाओ, ये इसको ढूंढने में मेरे को थोड़ा टाइम मुझे लगा था, क्योंकि ये इतनी डिस्टर्बिंग सी है, बट फाइनली ये पिक्चर हमें यहां मिली है, ये देख रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये वाला जो आपका ये वाला जो हिस्सा नहीं, थोड़ा टिल्टेड है, ये थोड़ा नीचे को है, और बाकी फिर इस तरीके से, तो इसमें ये चीज नोटिस करने वाली है, और वही चीज मुझे यहां पे दिखाई दी कि ये थोड़ा नीचे को है, फिर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस तरह से आपका पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, जितने भी स्टूडेंट थे, एक क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आज का रहेगा होमवर्क, ठीक है। अभी 3 से 4 क्वेश्चन और थे ब्लड रिलेशन का, कोटेड ब्लड रिलेशन का, और 2 सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, जो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, कल हम उनको करेंगे। ये क्वेश्चन आज का आपका रहेगा क्या, होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को मुझे प्लीज आप आंसर करना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये आप लोगों का है आज का होमवर्क क्वेश्चन। देखते कितने स्टूडेंट इस सेरॉक्स का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस समय नहीं थे, क्लास के शुरुआत में मैंने इस बारे में बात की थी कि आपका एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आज आना था 20 जुलाई को, आज नहीं आया है, लेकिन एसएससी ने बहुत ही जिम्मेदारी दिखाते हुए अपना नोटिफिकेशन एक नोटिस निकाल दिया, ये बताने के लिए कि अब आपका जो नोटिफिकेशन है सीपीओ का वो आएगा कब, सीपीओ का नोटिफिकेशन आपका आएगा 22 जुलाई का, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये नोटिस अभी कुछ 1 घंटे पहले आया था, आप लोगों की क्लास से आधा घंटा पहले आया था, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यू पीपल कीप ऑन आस्किंग कि मैम एमटीएस के लिए हम ये क्लास कर सकते हैं या हम इसके लिए क्लास कर सकते हैं, तो देखिए ये अपने 2 सेशन चल रहे दिन में,
इसी चैनल पे ये दोनों सेशन कंप्लीटली फ्री हैं। 2 बजे का सेशन आपका किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, CHSL की तैयारी चल रही है तो 2 बजे का सेशन, MTS की तैयारी चल रही है तो 2 बजे का सेशन, दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही तो भी आपका 2 बजे का सेशन, और अगर आपने DDA JSA का फॉर्म भरा है तो भी आपका 2 बजे का सेशन आपको हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 9 बजे के सेशन में नहीं आ सकते, आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो CPO का भी, ठीक है। तो 2 बजे मतलब 2 बजे मेन है और 9 बजे आपका आप आ सकते हो और अपनी तैयारी को स्पीड को बढ़ाने के लिए। रात का 9 बजे का सेशन अगर आपकी तैयारी CPO की चल रही है, CGL की चल रही है, DFCCIL की चल रही है, ठीक है, तो फिर आप 9 बजे के सेशन को डेली फॉलो करो बिना किसी रुकावट के, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आपका SSC CPO का एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो हम फिर बैच वगैरह की बात करेंगे, जिनको एनरोलमेंट करना होगा वो कर सकते हैं। ये है आपके सारे महापैक, ये सारे महापैक आपके सब एग्जाम से रिलेटेड है। देखो महापैक का मतलब होता है कि आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको क्लास भी मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, बुक्स भी मिलेंगी, तो ये आपके सारे के सारे महापैक हैं। या आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे की कर रहा है, MTS की कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, CHSL की कर रहा है, तो ये कूपन कोड आप लगा सकते हो, ठीक है, ये कूपन कोड आप लगा सकते हैं Y651 कोड लगा सकते हो आप किसी भी बैच के लिए, ठीक, या फिर किसी महापैक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए। और इसके साथ साथ यहां पे मैंने लिख दिया है Y651 के साथ S कोड लगा लेना टेस्ट सीरीज के लिए, तो ये दोनों कोड्स हैं, इससे हमें 78% ऑफ जो है वो हो जाएगा। तो आप जिस भी बैच में, रेलवे के बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, DDA जिस भी बैच में ज्वाइन होना चाहते हो उसमें आप ये कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, और प्लीज सेशन को ऐसे ही लाइक करते रहिए और ऐसे ही शेयर करते रहिए। कल की क्लास भी आपकी इसी तरीके से होगी बिल्कुल, बट शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी होगी, इस सेशन को बड़ा बनाना होगा, तो प्लीज शेयर करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। उषा सांगमान बोल रही, मैम आज मेरा बर्थडे है, मैम विश नहीं करोगे? विश बिल्कुल करेंगे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहिए। चलिए, नहीं नहीं हमारा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।